सब्सक्राइब आवर चैनल और देखें कबूतरबाजी के टॉप इंटरव्यूज, जिसमें कबूतरबाजों की सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टार कबूतर क्लब में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कबूतरों की मिट्टी कैसे बनाते हैं। और ये वीडियो हमारे भाई विजय खंडा, जो कि बहुत अच्छे इंटरव्यू और लाइफ जो है मैचेज दिखाते हैं आपको, उन्हीं की ये वीडियो है। उन्हीं की परमिशन से जो है ये वीडियो आप सभी के साथ साझा की है, शेयर की है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और जिन किसी भाइयों को रिक्वायरमेंट है और इसकी क्वांटिटी है वो संपर्क कर सकता है उनसे। और प्लस इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना, और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। लो जी दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ मिट्टी बनाने का असल तरीका। जो कबूतरों के लिए मिट्टी बनाई जाती है उसका असली तरीका, असली फार्मूला क्या होता है। ये जैसे कि आप सामने देख रहे हो, ये ईंट का चूरा है और ये है मुल्तानी मिट्टी, जिसको हम लोग पंजाबी में गाजनी भी बोलते हैं। और ये है काला नमक, ये हो गया जी आपका काला नमक पिसा हुआ। और ये हो गई आपकी अजवाइन, अजवाइन ये लीजिए अजवाइन। और ये हो गया आपका पीपल, पीपल। और ये हो गया हल्दी, हल्दी जो कि एंटीबायोटिक होती है, कोई बीमारी जल्द से इसके पास नहीं आती है। और ये है जी बहेड़ा, बहेड़ा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसा होता है। ये देखिए, मैं आपको बहेड़ा दिखाता हूँ। बहेड़ा इस तरह का होता है, इसका पिटाई करनी पड़ती है और इसको बारीक पीसना पड़ता है। और ये हो गई काली मिर्च, ये है सर काली मिर्च। अभी करना क्या है, और ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अभी सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी और इसको मिक्स करना है। ध्यान ये रखना है कि मुल्तानी मिट्टी पहले दिन भिगोनी है और अगले दिन मिक्स करनी है। निकाल ले सारी, निकाल ले। ये इसमें डाल दिया चूना, बुझा हुआ चूना। जिस कबूतरी को जो अंडे नहीं बना पाती है, या बोलते हैं कि अंडा पूरा नहीं बना पा रही है, तो ये चूना उसके काम आएगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मिला दिया सबका चूना। गया आपका चूना, ये डाल दी हल्दी, ये हो गया काला नमक, ये हो गया पीपल, ये हो गया काली मिर्च पाउडर,
और ये हो गया बहेड़ा। और ये हो गई आपकी सोंठ। सोंठ और ये है अजवाइन। ये सभी चीजें इसमें डाल दी हैं। एक बार फिर से मिक्स करना है इनको। मिक्स करके ये हो जाएगी मिट्टी तैयार। इसमें सभी विटामिन प्रोटीन सभी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं, सब देसी है। लो जी, बन गई मिट्टी, मिट्टी तैयार हो गई। अब इसमें एक चीज़ और डालनी है जो कि है शहद, एक पाव शहद। और जो ये जिसकी ये मटेरियल है, इसकी मात्रा मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। लो जी, हो गई मिट्टी तैयार। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू।